स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर राजस्थान के धौलपुर से है। धौलपुर में आबकारी नीति का विरोध करते हुए धौलपुर जिले के शराब ठेकेदारों ने राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन करते गंगानगर शुगर मिल के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे शराब ठेकेदारों ने बताया कि राज्य सरकार की आबकारी नीति उन्हें गर्त में धकेलने का काम कर रही है, जिस वजह से लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। शराब ठेकेदारों ने कहा कि आबकारी नीति के तहत राज्य सरकार को प्रथम तिमाही में छूट के उपरांत खाई गई अतिरिक्त मदिरा को द्वितीय तिमाही की गारंटी में समायोजित किए जाने तथा मनमाफिक माल उठाव हेतु राइडर की बाध्यता को हटाए जाने की उनकी मांग को पूरा करने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। ठेकेदारों ने बताया कि सभी प्रकार की शराब पर आबकारी शुल्क बराबर है, फिर भी राइडर की बाध्यता अनुसूचित है, जिस पर आबकारी विभाग के ठेकेदारों ने मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने की बात कही। चल रहा है, जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारी मांगे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जिन लोगों ने एक्सेस माल उठाया था उसकी उन्हें जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिली उसका लाभ नहीं दिया गया है। एक तो उनको उसका लाभ दिया जाए, दूसरा जिन बंधुओं की गारंटी टूटती है उन पर बेसिक लाइसेंस फीस का लेने का प्रावधान खत्म किया जाए। आज इस त्रैमास का अंतिम दिन था गारंटी उठाने के लिए। सभी अनुज्ञाधारियों से ये कहा गया था कि आज अपनी इस त्रैमास की गारंटी पूरी कर लें, अन्यथा कोई भी गारंटी टूटती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी रहेगी। उनकी जो भी मांगें हैं उन मांगों को आगे उच्च अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। इनको ये समझा, क्या विशेष मांग है सर व्यवसायियों की? जैसे कुछ ठेकेदार कह रहे थे कुछ ब्रांड का जैसे जो यहाँ मिलता है उसका बेचान नहीं हो पाता, या इनकी जैसे RML की गारंटी है वो कुछ ज़्यादा है, तो जो भी इनकी मांगे हैं वो उच्च अधिकारियों को उनके समक्ष रखी जाएंगी और जो भी इनका प्रस्ताव है जो भी मिलेगा उसको नया बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो ये है, काश 30 तारीख है, इस त्रैमास का अंतिम दिन है, आज इनको गारंटी पूरी करनी है। अगर ये गारंटी तोड़ते हैं तो ये गारंटी इनकी बकाया मानी जाएगी, ये इनको संदेश दे दिया गया है। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।